मग्ने जात वेद से ओम जाति जड़ 200 आंखों के होते हुए तो अंधा है।
सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता, आंखों का मतलब समझ नहीं सकता, कुछ जाती है जड़ होती है। और उन्हें जो इतनी शब्द अंदर जी का बकवास करिए, तेरा खून के प्यासे भगवान राम के बाण हैं, और जब वो चलेंगे तब तुझे पता लगेगा और तुझे कष्ट होगा। तब सोने की प्यास तसित राम सहायक निकट, तजब तो ही ते त्रास कटु जलपक निश्चर अधम। इतना गुस्सा आया मेरे को, बोले मैं अगर जाऊं तो तेरे दसों सिरों को तोड़ दूं। बड़े क्रोध में बोलने लग गए, तेरे दसों सिरों को तोड़ दूं। लेकिन मुझे भगवान ने आज्ञा नहीं दी, मुझे जितनी आज्ञा दी है मैं उतना ही करूंगा, मैं तोड़ सकता हूं तेरे दसों सिरों को, तेरी लंका को समुद्र में डुबो सकता हूं, और तेरी लंका के अंदर जितने भी लोग हैं उनको मैं खा सकता हूं। मेरे लिए तो लंका एक गुलर के पेड़ के समान, गुलर का जो पेड़ होता है उसमें गुलर लगा होता है, उसमें असंख्यों जीव होते हैं एक गुलर के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि लंका जो है वो गुलर है, और मैं जब मर्जी तोड़, मैं तो बांधा हूँ, मेरा काम यही है। मैं बानर फल खात नवारा आयुष दीन न धागुदा, मैं कर दूंगा, कर सकता हूँ, लेकिन मुझे भगवान ने आज्ञा नहीं दी, मेरे स्वामी ने आज्ञा नहीं दी, इसलिए मुझे आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। रावण की बात सुनकर, इसकी अंगद की बात सुनकर रावण को भी हंसने लगा। छोटा हुआ बड़ी बात, जुगत सुनत रावण मुस्काई, मूड सिखाई कह बहुत झुकाई, बहुत झूठ बोलिए तुम। लेकिन बाली ने तो कभी इस प्रकार से नहीं कहा। मुझे लगता है कि तू जब से उन तपसियों से मिला है तब से ही तू लवार हो गया, बोलने वाला हो गया, उपवास करने वाला हो गया। रावण को इतना सुनते ही, उसको अंदर को इतना सुनते ही, इतना क्रोध आया कि भरी सभा के अंदर उन्होंने पैर उठा करके जमीन के अंदर मारा, रोपा, रोपा शब्द को समझिए। सभा माज पन करी पद रोपा। देखिए रावण जैसे विद्वान व्यक्ति को अंगद ने बेवकूफ बना दिया, ये छुपाई बता रही है। अंगद ने पैर रोप दिया, रोप ना कहते हैं किसी पेड़ को लगाना, जब वो पेड़ लग जाता है तो पेड़ क्या उखड़ सकता है, तो अंगद ने पैर रोप दिया और शर्त क्या लगाई कि अगर कोई भी मेरा पैर हिला देगा, हटा देगा, उठा देगा, तो राम जी चले जाएंगे, मैं सीता को हार लूंगा। जब दो जुआरी खेलते शर्त लगाते हैं तो बराबर का पैसा रखते हैं ना, बराबर का रखते हैं। सीता जी किसके पास है, तो अंदर कैसे क्या देगा, मैं सीता को हार जाऊंगा, बुद्धि भ्रमित कर दी। जबरदस्त पॉइंट दिया, मैं सीता को हार दूंगा। अरे भाई शर्त ही गलत है, लेकिन रावण इसकी इसकी व्याख्या बहुत लंबी छोड़ी है, समय का अभाव, शायद 15 मिनट हो रहे हैं, 5 मिनट हो, तो उस 5 मिनट के अंदर नहीं दोनों को पानी उतार थी, थोड़ा मुश्किल हो गया। तो मैं अब तक नहीं पता अभाव को है जी, ये सुनने की, सुनने की तो है लेकिन समय का अभाव। ऐसे खड़े हो जाना सब आगे पीछे।
हाँ जी सब आमने सामने फेस कर लेंगे थोड़ा देखो आपकी फोटो नहीं आएगी फिर इधर आओ सब इकट्ठे हो जाओ एक साथ थोड़ा पीछे गोला बना लो ना गोला बना लो आपकी गोला बना लो सब पहले सबसे पहले बेटा आप पहनाएंगे बाबू जी आप पहनाएंगे फिर ये पहनाएंगे और पड़ोसी मंत्र ओम स्वस्ति नेन्द्रो वृद्धशवा स्वस्ति न पूषा स्वस्ति नो आरिष्टनेहि स्वस्ति नो बृहस्पति ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणतुजा मंगलम पुंडरी काक्षी मंगलायत नवरी और शंकर भगवान की जय श्यामति रामचंद्र भगवान की जय अवल सुत हनुमान की जय हरी शंकर भगवान की जय बागे बिहारी लाल की जय राजा साथ ले आपकी कृपा से सब काम हो रहा
की कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए तो पॉसिबल नहीं है, एक एक शब्द देखिए, एक लिखा भी नहीं है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। Bye.